शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 10 मई को आपसी रंजिश के चलते हुई युवक आदर्श तापड़िया की हत्या के बाद मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी और दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर चल रहे भाजपा और हिंदू संगठनों के धरने के दौरान मुस्लिम समाज के खिलाफ विवादित बयान देने वाली युवती को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। युवती की गिरफ्तारी के विरोध में भाजपा और हिंदू संगठनों ने थाने के बाहर प्रदर्शन भी किया। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 3 की पार्षद प्रत्याशी कोमल मेहता ने आदर्श हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने सहित दोषी पुलिस अधिकारियों के निलंबन और घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के पास भाजपा और हिंदू संगठनों की ओर से दिए जा रहे बेमियादी धरने पर मुस्लिम समाज के खिलाफ विवादित बयान दिया था। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में कोमल मुस्लिम समाज का बहिष्कार करते हुए दिखाई दे रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद सिकंदर अली ने कोतवाली थाने में आईपीसी की धारा 153A, 295A और 505 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था। इस पर कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को कोमल मेहता को गिरफ्तार किया। इसके विरोध में भाजपा और हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कोतवाली थाने के बाहर जमा हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने समझाइश का प्रयास किया। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने आरोपी कोमल मेहता को कोर्ट में भी पेश किया। मैं 50 बार फोन की थाना में अरे एक लकड़ी जब्त करवाना आई हो अरे अभी तो मैं कहता हूँ आपको जब कितनी लकड़ी आ रही चोरी छिपे है अरे रुकड़े कर रहे उसकी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे क्या वहां से रिश्तो जाती अपराधी को बचाया जा रहा है। बहन कोमल जी मेहता ने हिंदू एकता का परिचय दिया, हिंदू एकता की बात कही। पिलवाड़ा प्रशासन द्वारा पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। युवा मोर्चा साथियों ने कलेक्टर पर ज्ञापन दिया और हिंदू भाई जब तक कोमल मेहता बहन रिहा नहीं हो जाती कोतवाली के बाहर रहेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। जय सिया राम। पूर्व थाने से गाड़ी आई थी और मैं दुकान पे था, बच्ची को उन्होंने बोला भाई आपको थाने में चलना है, तो इन्होंने कुछ ऐसा शब्द बताया भी नहीं है। फिर आया तो मैं आया तो बोला इन्होंने आपने वहाँ पर धरने पर भाषण दिया और भाषण में आपने कुछ बोला है संप्रदाय विशेष के लिए, तो उसमें ऐसा कोई संप्रदाय विशेष नहीं बोला था, परंतु इनकी हठधर्मी है, गहलोत साहब की हठधर्मी है, प्रशासन उनका है, इसलिए इसको गिरफ्तार करके ले आए हैं। अब इसमें क्या है क्या नहीं, अब क्या डाव पे जब इनको मालूम है, इसने ऐसा सब तो कुछ बोला नहीं, हमने भी देख लिया। जिसने भी FIR दर्ज करी तो इसी भाई ने करी है, वो भी अपन देख लेंगे अब किसने करी है, उसने किस कारण से करी है, ये मैसेज मेरे को भी इतना मालूम नहीं है। मैं तो दुकान पर आया, फोन आया जब मैं यहाँ मेरे मैं ये कह रहा हूँ इसको निर्दोष है और इसको छोड़ा जाए। इससे भी ज़्यादा नेता लोग बोल रहे हैं उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। राजेंद्र कुमार मेहता पुर, ये वार्ड प्रत्याशी है वार्ड नंबर 3 की, कोमल मेहता भारतीय जनता पार्टी से। आपकी क्या बेटी है? मेरी बेटियाँ है ये।